ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.4 के दो ही क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये अटेम्प्ट करेंगे और इसके साथ हमारा ये चैप्टर दी एंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वन थिंग, आपको इस चैप्टर पूरे चैप्टर में अगर कहीं कोई मसला हो, यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है, जी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है। अब देखें, सबसे पहले ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। स्टूडेंट्स, ऊपर वाले के न्यूमरेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 5, क्योंकि ये x की पावर 4 हो जाना है स्क्वेयर की वजह से, टाइम्स ये x मल्टीप्लाई और है। आपको पता है जब दो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स को ऐड करके चेक करते हैं, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 4, 4 और 1 5 हो जाएगी, ठीक है। चलें, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, दिस मीन्स दैट कि हमें इसके फ्रैक्शन बनाने हैं। चलें स्टूडेंट्स, जो फ्रैक्शन बनाने हैं, एक चीज़ आपको पता है, जितने भी कॉन्स्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो दो मेथड है, एक है मेकिंग कोएफिशिएंट और एक है कंपेयरिंग मेकिंग कोएफिशिएंट जीरो और दूसरा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। पहले हम लोग मेकिंग कोएफिशिएंट जीरो, कोएफिशिएंट को जीरो बनाया करते हैं। तो इसमें एक कोएफिशिएंट एक कांस्टेंट की वैल्यू जीरो बना के आएगी, जितने लीनियर फैक्टर होते हैं ना क्वेश्चन में उतने जीरो बना करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसके फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं। देखें, ये एक लीनियर टर्म है, एक फ्रैक्शन इसके लिए आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक फैक्टर दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो दो फ्रैक्शन इसके लिए आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके फ्रैक्शन सेट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे तीन फ्रैक्शन बनेंगे ना, ये हमने पहले फ्रैक्शन के लिए स्पेस छोड़ ली, देन ये दूसरे फ्रैक्शन के लिए और देन यहाँ पे हमारा थर्ड फ्रैक्शन आ जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले x माइनस 1 आ रहा है, उसको यहाँ पे लिख लें। अब x माइनस 1 एक कांस्टेंट लीनियर टर्म है, तो इसके ऊपर एक कांस्टेंट यानी a आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी होल पावर 1, अब ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसके ऊपर दो कांस्टेंट वो आ जाएंगे बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 टू द होल स्क्वेयर, इसके ऊपर आ जाएगा डी एक्स प्लस ई। स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल कितने कांस्टेंट हो गए, 5 कांस्टेंट हो गए, तो हम इसके इन 5 कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। इसको कह लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को सबसे पहले फ्रैक्शन लेस बनाना है इसकी, तो उसके लिए जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर है ना, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। सो वी विल से स्टूडेंट, इसका जो आंसर है ना वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो सारा एक नया पेज हमें मिल जाएगा वर्किंग के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये पूरी चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये न्यूमरेटर बच जाएगा, सो ये आ जाएगा। इज इक्वल टू, स्टूडेंट जब ये इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगी तो एक साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 1 की, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन नंबर 2 में से सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग कोएफिशिएंट को ज़ीरो बनाएंगे। तो कितने लीनियर टर्म्स हैं, एक ही लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, इसकी मदद से हम लोग ज़ीरो कर लेंगे ना इसको, तो इसको ज़ीरो पुट करते हैं हम लोग। वी विल से
हम लोग x इक्वल x माइनस वन को जीरो पुट कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पे वन पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसको डायरेक्टली कंप्यूट करता जाऊँगा, जब इस x की जगह पर वन पुट किया जाएगा, वन की पावर फोर वो वन आएगा और वन मल्टीप्लाई हो रहा होगा फोर से, सो इट गिव अस फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू एट टाइम्स वन का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन थ्री, ये बन जाएगा थ्री स्क्वेयर प्लस ये जो रेस्ट आते दो टर्म्स हैं ये ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एटीन इक्वल्स टू थ्री स्क्वेयर कितना हो जाएगा नाइन ए, सो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए इक्वल आ जाएगा 18 अपॉन 9, 9 टू टाइम 18, सो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इसकी ए की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग इसकी वैल्यूज फाइंड करने जा रहे हैं बाकी कॉन्स्टेंट्स की, उसके लिए हमें क्या काम करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन से सॉल्व करना होगा और कोफिशेंट को इक्वेट करना होगा। फ्रेंड्स लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सेम चलती आएगी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर ये देखें तीन टर्म का होल स्केयर ओपन हो रहा है, तीन टर्म का होल स्केयर ओपन करने का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ, उससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स तीन टर्म का स्केयर कुछ इस तरह से ओपन होता है, ए प्लस बी प्लस सी टू द होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू फार्मूला का इनटू फर्स्ट टर्म टाइम सेकंड टर्म लाइक ए बी प्लस टू फर्स्ट सेकंड टाइम्स थर्ड प्लस टू फर्स्ट टाइम थर्ड लाइक ए सी। तो इस टेक्निक की मदद से हम लोग ये इसका होल स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी एक्स स्क्वायर का स्केयर वो बन जाएगा एक्स टू द पावर फोर ए टाइम्स एक्स टू द पावर फोर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस थर्ड टर्म वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस टू टाइम्स फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड यानी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू टाइम्स सेकंड थर्ड यानी एक्स टाइम वन ये आ जाएगा एक्स प्लस टू टाइम्स फर्स्ट थर्ड यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तीन टर्म का स्क्वायर ओपन कर लिया है। मसीह स्टूडेंट्स ये बी एक्स प्लस सी सी को इस स्टेप में सेम लिख लें, इन दोनों का प्रोडक्ट करवा लें, ठीक है। ये क्या बन जाएगा प्लस प्लस स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एरो से आपको शो कर देता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है ना इसका वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बी एक्स प्लस सी सेम आ जाएगा टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स जब अगले तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इट बिकम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन नेगेटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वन प्लस ये डी एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव डी एक्स प्लस ई एक्स नेगेटिव ई। स्टूडेंट ये जो नेगेटिव एक्स है इस पॉजिटिव एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इस नेगेटिव एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स बचेंगी वो कुछ यूँ बचेंगी
लेफ्ट साइड तो बिल्कुल सेम आ जाएगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाली। स्टूडेंट हम लोग इस ए को ना मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ए को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट बिकम ए एक्स टू द पावर 4 प्लस ये वाला जो ए है इस 2x³ से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 2ax³। नेक्स्ट स्टूडेंट्स x² प्लस 2x² 3x², और जब a मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 3ax² नेक्स्ट ये 2x है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 2ax, और a जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा a। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये यहाँ से ये bx प्लस c को इन टर्म से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। bx पहले x³ से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा, अगर मैं कलर चेंज करके लिख लूँ, ये बन जाएगा प्लस bx⁴। फिर bx मल्टीप्लाई होगा -1 से, यहाँ पे आ जाएगा -bx। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग जो इसका अगला स्टेप है वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अगेन स्टार्ट से, ताकि टाइम बचा ले, स्पेस बच जाए हमारे पास। bx⁴ -bx प्लस c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cx³ -c, ओके। और ये प्लस एंड पे क्या कौन सी टर्म है, ये वाली टर्म है प्लस dx² नेगेटिव dx नेगेटिव ex नेगेटिव e। स्टूडेंट्स अब हम ना इनको अरेंज करके लिख रहे हैं, कैसे करके लिख रहे हैं, अरेंज करके लिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे तो सेम स्टेटमेंट आ जाएंगे 4x⁴ प्लस 3x³ 6x² इज इक्वल टू, देखें x⁴ वाली और कोई टर्म है, यस ये है, इनमें से x⁴ का मान ले लें, सो इट बिकम ए प्लस बी टाइम्स x⁴। नेक्स्ट x³ वाली टर्म को देखें, सो ये बन जाएगा प्लस 2a और कोई x³ वाली टर्म प्लस c टाइम्स x³। नेक्स्ट स्टूडेंट्स x² वाली टर्म प्लस 3a और x² वाली टर्म कौन सी है प्लस d अब टाइम्स x², ओके। अब x वाली टर्म्स को अरेंज करके लिख लेते हैं, प्लस x वाली टर्म कौन कौन सी हैं 2a नेगेटिव b नेगेटिव d नेगेटिव e टाइम्स x, और जो एंड पे सारी बचेंगी वो कॉन्स्टेंट टर्म्स कंसिडर होंगे, और वो वाली टर्म्स कौन सी बनेगी जी, a नेगेटिव c नेगेटिव e। चलें स्टूडेंट्स अब ये सारा कुछ सारा काम हो चुका है, अब हमें इसको इक्वेट करना है। दोनों साइड पे सबसे मैक्सिमम पावर है x⁴, x⁴ से हम इनको इक्वेट करना शुरू करेंगे और सभी को नीचे इक्वेट करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कहेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x⁴ x³ x² x एंड कॉन्स्टेंट जी। स्टूडेंट्स इन सभी टर्म्स को इक्वेट कर लें, लेफ्ट साइड पे x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 4, और इस साइड पर क्या है a प्लस बी, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी।
एक्स क्यूब को, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है 3, और उधर क्या है 2a प्लस सी, 3 इज इक्वल टू 2a प्लस सी, एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है 6, और उधर है 3a प्लस डी, 6 इज इक्वल टू 3a प्लस डी। देन एक्स का कोफिशेंट लेफ्ट साइड पे 5 है, 5 इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस डी माइनस ए, माइनस बी माइनस डी माइनस ई, और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है कोई नहीं, राइट साइड पे आएगा a माइनस सी माइनस ए, 0 इज इक्वल टू a माइनस सी माइनस ई। स्टूडेंट्स ये 2 तक ऑलरेडी हम लोग इक्वेशंस कह चुके हैं ना, इनको हम लोग आगे इक्वेशंस को नाम दे लेते हैं। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये होगी 3, 3, 4, 5, 6 एंड 7। स्टूडेंट्स देखें ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कंप्यूट की हुई है जो कि 2 आई है, ठीक है। ये ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी कंप्यूट की है, हम एक ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी इस बी की। सो इट बिकम वी से यहाँ से स्टूडेंट्स बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं ना यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज़ कंप्यूट करूँगा और इससे आसानी से यहाँ पर इसी पेज में सारा काम खत्म हो जाएगा। अब फिर एक ही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ से सी आ जाएगा हमारे पास -1, ओके। 3 वैल्यूज होगी हमारे पास। नेक्स्ट हम वही ए की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। वी से पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 5, सो इट बिकम 6 इज इक्वल टू 3 times 2 इज 6 प्लस डी, सो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। ये अनदर वैल्यू आ गई, एक और कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी सी डी, और अब हमारे पास ई की वैल्यू रह गई है। स्टूडेंट्स आप ई की वैल्यू 2 ऑप्शन है, आप चाहे 6 में से वैल्यू निकाल लें चाहे 7 में से, तुम्हारी रिकमेंडेशन आप 7 में से वैल्यू निकाल लें, ठीक है। आप ए और सी की वैल्यू यूज़ करें और ई की वैल्यू खुद बहुत आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग ये काम करें कि इस नेगेटिव ई को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव ई बन जाएगा। सो इट बिकम आई विल राइट इक्वेशन नंबर 7, मतलब हम इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। सो ई इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है, -1, इट बिकम +1। सो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से हमारी ये सारी वैल्यूज़ कंप्यूट हो जाती हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह हम लोग ये सारी पांचों वैल्यूज़ हम लोग कहाँ पर यूज़ कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर देंगे, ठीक है। सो वी विल से कि हम लोग ये सारी वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर किस में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं आपकी सहूलत के लिए क्या काम करता हूँ, समझ लें कि ये हमारा पेज का लास्ट पार्ट है, तो हम इसके लिए यहाँ भी पुट कर देते हैं ताकि इक्वेशन नंबर 1 आपके सामने पड़ी हुई है
सब्स्टिट्यूट करने में मसला ना आए। वी विल से पुट सारी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन नंबर वन में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर वन की लेफ्ट साइड क्या है? इट इज ए। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू कितनी आई हुई है? टू, टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स। बी की वैल्यू कितनी आई है? वो भी टू आई है। बी और सी की वैल्यू कितनी? माइनस वन। ये बन जाएगा टू एक्स, सी की जगह पर आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स। डी की वैल्यू कितनी आई है? ज़ीरो। ज़ीरो एक्स यानी ये ज़ीरो हो गया। और ई की वैल्यू कितनी आई है? थ्री। यानी ज़ीरो एक्स प्लस थ्री, वो थ्री यहाँ पर आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन टू द होल स्क्वेयर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, आई विश के आप लोग इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो आप खुद से करें। इफ आई कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर सिक्स, इट इज़ वही कुछ यूँ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है, जी स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स की स्टेटमेंट। अगर आप देखें तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है वो भी दो दफ़ा रिपीट हो रही है और लीनियर टर्म भी दो दफ़ा रिपीट हो रही है। ठीक है, दो फैक्टर इसके लिए और दो इसके लिए बन जाएंगे। तो ये टोटल कितने फैक्टर बनेंगे इस क्वेश्चन में? चार। आप ये चार फैक्टर सबसे पहले बता लें। यहाँ पे पहले में आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस टू प्लस दूसरे फैक्टर में एक्स स्क्वेयर प्लस टू की एक पावर को इनक्रीज़ कर दें, स्क्वेयर हो जाएगा प्लस। अब ये लीनियर टर्म आ जाएगी एक्स प्लस वन और लास्ट पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगी इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन आ जाएगा। हम इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर वन का। स्टूडेंट्स ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके ऊपर दो कांस्टेंट ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, ये ए है तो ई और ये एफ। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्शियल फ्रैक्शन है। नाउ यू हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, तो ये काम मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से करें। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन राइट अस इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी क्यूरी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।